आज गंदी बातें नहीं कर रहे तुम लोग। बचपन से हर कहानी हर किस्सा एक लड़के और लड़की की होती थी। Are you alone? पिछले 9 दिनों में 7.5 लाख रुपए खर्च हो गए। ये सब होने के बाद गारंटी तो किसी बात की नहीं है ना। यहाँ एक बाप अपनी बेटी से भीख मांगता है, बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो। खजाना चाहिए हो तो औरत का खून छिड़कना। मैंने किसी को कुछ नहीं किया सर। तो लीजिए आ गया है एक बार फिर से जो दिन है शुक्रवार, जब आपको रहता है बहुत सारी सरप्राइज रिलीज का इंतजार। लेकिन जैसा कि ज्यादातर होता है, हमें कोई बड़ा सरप्राइज फ्राइडे के दिन में देखने को नहीं मिलता। तो आज का दिन भी कुछ वैसा ही है, लेकिन बहुत सारी मूवीज को सरप्राइज रिलीज किया तो गया है, बट उनमें से कोई ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बढ़िया जरूर है। तो सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिसमें सबसे पहले लायंस गेट प्ले के उल्टी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है टूरिस्टस, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर है। और ये एक पुर्तगीज R-rated मूवी है, जिसमें हमें कुछ ऐसे टूरिस्ट की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी वेकेशन पे किसी दूसरी कंट्री में गए होते हैं, और वहाँ पे उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो ब्राजील के एक रिमोट एरिया में फंस जाते हैं। तो वहाँ पे उनके साथ आगे क्या क्या होता है वही हमें डराते हुए इस मूवी में दिखाया जाता है, जो काफी बढ़िया मूवी है जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और ये एक R-rated मूवी है जिसमें अहां भी होने वाला है, जिसे आप अभी हिंदी डब में लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं इंडिया में। इसके बाद काफी टाइम पहले एक और R-rated मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है हर, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8 की है। तो ये मूवी मिस करनी तो बनती नहीं है, जिसे भी अभी लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। और ये एक साईफाई रोमांटिक थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें हमारे फ्यूचर के AI की कहानी देखने को मिलने वाली है। मतलब कि एक बंदे की ओर से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिससे उसकी ही अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही हो जाती है। तो उसके बाद उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है इस सिस्टम के साथ, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। जो भी एक R-rated मूवी है, मतलब कि इसमें भी थोड़ा सा होने वाला है। तो ये मूवी भी अभी इंडिया में लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में रिलीज की गई थी पीकॉक की ओर से एक बढ़िया फैंटेसी हॉलीडे कॉमेडी ड्रामा मूवी जीनी, जिसकी IMDb रेटिंग 5.9 की रही है। और अभी इस मूवी को इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी है। और कहानी हमें इसमें क्रिसमस के आसपास देखने को मिलने वाली है, जब एक बंदे को क्रिसमस के दिन पे एक मैजिकल जीनी मिल जाता है, जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी की मुश्किलों को हल करने वाला है। लेकिन कहानी कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे बढ़ती है, वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी में, जो एक PG-13 मूवी है। मतलब कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अगर आपको रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद है, मेरा मतलब है K-dramas के जैसे, तो आपके लिए एक नई 2024 की चाइनीज रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज लव इंडियोस को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 7 की है। और ये एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें हमें कुछ 7 चाइल्डहुड फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो इस वेब सीरीज के सीजन 1 के सभी एपिसोड्स अभी Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो कई सारे एपिसोड होने वाले हैं। तो काफी लंबे समय के एंटरटेनमेंट का प्रबंध कर दिया गया है आपके लिए Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से बिल्कुल फ्री में ही। इसके बाद Z5 की ओर से एक और नई हिंदी मूवी को डिजिटल प्रीमियर कर दिया गया है आज के दिन में ही, जिसका नाम है द कलर्स ऑफ लव, जो एक रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी है, जिसे अभी आज के दिन में मतलब 4 अक्टूबर को ही Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पर डिजिटल प्रीमियर किया गया है, जिसमें हमें कहानी एक फीमेल डॉक्टर की देखने को मिलने वाली है, जो अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली जाती है। तो उसकी फैमिली उसको सैड ना देखते हुए उसके एक साइकोलॉजिकल बेस्ट फ्रेंड को उसके पास बुला लेती है। तो उसके बाद इन फ्रेंड्स की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इमोशनल करते हुए लव स्टोरी में दिखाया जाने वाला है कि प्यार के कितने रंग होते हैं दुनिया में, इसीलिए ही इस मूवी का टाइटल भी कलर्स ऑफ लव है। इसके बाद हॉलीवुड के रेसलिंग सुपरस्टार बटिस्टा की इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी लायंस गेट प्ले की ओर से बनाई गई एक बढ़िया R-rated एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी द किलर्स गेम, जो एक बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई मूवी है। मतलब कि इसमें एक्शन और थ्रिल के साथ भी देखने को मिलने वाला है,
जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 की है और अभी इस मूवी को आज के दिन से ही वीडियो ऑन डिमांड मीन्स के रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें कहानी हमें एक हिटमैन की देखने को मिलने वाली है जिसको एक जानलेवा बीमारी हो जाती है। तो उसके बाद उसकी कहानी कैसे एक्शन और थ्रिल के साथ आगे बढ़ती है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ने वाला है, वही इस मूवी को काफी बढ़िया बनाता है। तो ये मूवी आज से ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड मीन्स के रेंटल बेसिस पे रिलीज होने जा रही है। बाकी जल्द ही ये मूवी हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जो मिनिमम नवंबर मंथ में ही रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी। जैसे आजकल बहुत सारा इंग्लिश कंटेंट हिंदी डब में होते हुए दिख रहा है, लेकिन ये इंडिया वालों को अभी पता नहीं क्या हो गया है। एक नई इंडियन वेब सीरीज रिलीज की गई है जिसका नाम है द ट्राइब, जिसको ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो अभी आज के दिन में ही रिलीज की गई है, जो एक रियलिटी टीवी शो सीरीज है जिसमें कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनको अभी दूसरे देश में ले जाते हुए उनसे कंटेंट क्रिएट करवाया जाने वाला है। तो ये पूरी की पूरी वेब सीरीज हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। अभी ये इंडिया वाले पता नहीं किस ओर जा रहे हैं, बाकी इंग्लिश वाले तो इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंडिया वाले ओनली इंग्लिश के पीछे ही भाग रहे हैं। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया नई हिंदी साइफाई थ्रिलर मूवी को डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है कंट्रोल, जिसमें अनन्या पांडे हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाली है और ये मूवी आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद जैसे कि आपको थंगलान मूवी का काफी इंतजार है, जो पिछले कुछ हफ्तों से पेंडिंग ही चलती आ रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड थी कि आज के दिन में देखने को मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली, जिसको कई सारे मीडिया हाउसेस की ओर से 4 अक्टूबर को एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म, और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है और ये आर रेटेड मूवी भी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। और उसी कहानी को ही आगे बढ़ाने के लिए अभी इस मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसको देख के आपका दिल दहल जाए। बाकी पूरी कहानी क्या रहती है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी हमें 4 अक्टूबर से ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद इसी साल 2024 में ही कुछ टाइम पहले कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया हॉलीवुड की आर रेटेड साइफाई डार्क कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इट्स वर्स इनसाइड, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 की चल रही है और अभी इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है इस फ्राइडे को ही, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी फ्राइडे की दोपहर 12:30 बजे से, जिसमें हमें एक फ्रेंड्स के ग्रुप की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी उनमें से ही एक की शादी के पहले एक पार्टी करने के लिए जाते हैं किसी दूसरी जगह पे, जो उनके लिए एक बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है जब उनका एक फ्रेंड उनके पास वापस आ जाता है जो काफी टाइम पहले गायब हो गया था। इसके बाद इस फ्राइडे को ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक बढ़िया नई हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मानवत मर्डर्स, जो एक ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक सच्चे क्राइम की कहानी देखने को मिलने वाली है और कहानी हमें 7 मर्डर्स की देखने को मिलने वाली है जो करीब 1.5 साल के लिए अनसुलझे ही रह जाते हैं। तो इन मर्डर्स के पीछे क्या राज थे और कैसे केस को सॉल्व किया जाता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जिसकी कहानी 1970 के दशक में सेट होने वाली है। भी इसको साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो भी अभी इस फ्राइडे से ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे को ही Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सिग्नेचर, जिसमें अनुपम खेर हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं और कहानी इस मूवी की एक सस्पेंस के साथ इमोशनल भरी हुई होने वाली है, जिसमें हमें एक ओल्ड एज कपल की कहानी देखने को मिलेगी जो 35 साल की मैरिज के बाद बीमारियों से तो लड़ ही रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको सिस्टम के साथ भी लड़ना पड़ता है, जो काफी बढ़िया इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन की एक और बढ़िया नई हिंदी वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है हाईवे लव का सीजन 2, जिसके सीजन 1 को कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था Amazon मिनी टीवी की ओर से, और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आने जा रहा है, जिसको Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जा रहा है, और ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें हमें एक बढ़िया प्यार की कहानी देखने को मिलती है, और इसको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें Amazon मिनी टीवी के सुपरस्टार ऋत्विक हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिनको आपने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज में देख रखा है ऑलरेडी। इसके बाद आज के दिन में ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है अमर प्रेम की प्रेम कहानी, जिसमें हमें एक लव स्टोरी तो देखने को मिलने वाली है, लेकिन एक गे कपल की, जिसमें एक लड़के को लड़के से ही प्यार हो जाता है तो वो अपने प्यार के खातिर अपनी फैमिली और उन 4 बातें करने वाले लोगों के साथ कैसे लड़ता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो वैसे एवरेज से नीचे ही मूवी है और इतनी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, मैं तो इसे देखने नहीं वाला, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो अभी OTT पे आ रही है तो। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही VR OTT के प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी डब कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है स्ट्राइकिंग द पैलेस, और इसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है एक ईवा नाम की लड़की की,
जो एक बड़े होटल में जॉब ढूंढ रही होती है और उसको एक बड़े पैलेस में जॉब भी मिल जाती है जहाँ पे वो एज ए मेड काम शुरू करती है। लेकिन कहानी में हंसी कैसे आती है और क्या क्या होने वाला है कहानी में, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.3 की है, जो अभी इस फ्राइडे के दिन से ही हिंदी डब में भी VR OTT के प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अभी काफी चर्चा में चल रही है पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा की पहली मूवी शाहकोट, जिसकी कहानी मोस्टली पाकिस्तान के ऊपर ही बेस है और कहानी हमें एक ऐसे इंडियन लड़के की देखने को मिलने वाली है जो बहुत सारे यंग लोगों के जैसे ही इलीगली बाहर जाने की ट्राई करता है, लेकिन वहां से उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है और इंडिया में डिपोर्ट करने की बजाय उसको कुछ पाकिस्तानी लोगों के साथ पाकिस्तान में ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो वहां पे उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है और बाकी उसके स्ट्रगल की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस पूरी मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। तो ये मूवी अभी इस फ्राइडे से थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस को बहुत ज्यादा इंतजार था एक बड़ी पंजाबी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी मो का, जिसे लास्ट ईयर साल 2023 में थिएटर में रिलीज किया गया था और अभी तक ये मूवी OTT पे देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी ये मूवी एक बार फिर से रिलीज होने जा रही है, लेकिन अभी भी ये मूवी OTT पे देखने को नहीं मिलने वाली, जो अभी इस फ्राइडे के दिन से एक बार फिर से थिएटर में रिलीज की जा रही है। तो इसके बाद ही इसको OTT पे भी रिलीज किया जाएगा। बाकी इसकी OTT को लेकर जो भी अपडेट मिलती है आगे आने वाले टाइम में, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा, बट अभी के लिए ये मूवी इस फ्राइडे के दिन में ओनली थिएटर में ही रिलीज होने वाली है। बाकी ये था अभी तक का कन्फर्म हुआ कॉन्टेंट। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। टाटा बाय बाय।